अस्सलाम वालेकुम। सबन आसान के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं नकी मुस्तफ़ा। आज हमारे शो में एहसास की बात है, क्योंकि एहसास ही बताएंगे अपने एहसास के बारे में। हम बात कर रहे हैं एहसास चीमा के हवाले से। आपको याद होगा पाकिस्तान ने जो आखिरी एशिया वर्ल्ड कप जीता, एशिया कप जीता है, उसमें उन्होंने जो आखिरी ओवर करवाया था, जिस तरीके से पाकिस्तान ने 2 रन से वो एशिया कप जीता था, उनको जीता के वो काम है। हम लोग चलते हैं एहसास चीमा के पास। एहसास भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बताएँ कुछ अपने सफ़र के हवाले से, कैसे अपना क्रिकेट स्टार्ट करा आपने? जी क्रिकेट मैंने टेनिस बॉल टेबल से ही, जिस तरह मोस्टली बच्चे स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान में शुरू की थी। और 5th क्लास में मैंने पहली दफ़ा हार्ड बॉल से बॉलिंग की, और 13 साल का था 8th क्लास में जब मैंने क्लब क्रिकेट स्टार्ट की थी। और स्कूल की छुट्टियों में मैं क्लब क्रिकेट खेला करता था, प्रैक्टिस करता था। और जो है प्रोफेशनल क्रिकेट मैंने 2001 में PIA के ट्रायल्स दिए थे और PIA से सिलेक्ट हुआ था। और घर वालों की तरफ से मुझे पढ़ाई के लिए काफ़ी इंसिस्ट करते थे, तो पढ़ाई भी मैंने साथ की। तो BCom करने के बाद मैं प्रोफेशनल क्रिकेट में आया हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि 18 साल हो गए मुझे पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए। भाई फॉर्म तो बहुत अच्छी जा रही है आपकी, डोमेस्टिक क्रिकेट इस चीज़ का गवाह है। जितनी आप विकेट्स ले रहे हैं इसमें, जो अभी टूर्नामेंट चल रहा है इसमें भी IS विकेट टेकर हैं आप, तो अभी क्या फ्यूचर है आपका? PSL आ रही है, आप क्रिकेट में ही रहना चाहेंगे या कमेंट्री या एकेडमी, कुछ बताएं आगे फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं? प्लान्स मेरे यही हैं कि जो है मजीद क्रिकेट खेलता रहूं जब तक मेरी फिटनेस जो है वो ठीक है और टॉप क्लास फिटनेस है, मैं क्रिकेट खेलूंगा। उसके बाद क्रिकेट से रिलेटेड भी कुछ काम कर सकता हूँ, कोचिंग की फील्ड में या किसी मैच रेफरी या अंपायरिंग की फील्ड में, अदरवाइज हो सकता है। अभी मैंने इतना प्लान आउट नहीं किया क्योंकि अभी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। बाकी यंगस्टर्स को मेरा कहना यही है कि हार्डवर्क करें, अपने बड़ों का अदब करें, और हार्डवर्क का सिला हमेशा ज़रूर अल्लाह ताला देता है। और अपनी हार्डवर्क से अपनी स्किल्स को पॉलिश रखें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका साथ देगा और आप लोगों को परफॉर्मेंस देने के बेहतरीन मौके मिलेंगे, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और मुल्क का नाम रोशन करें। और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं तमाम यंग प्लेयर्स और तमाम क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्समैन के साथ। एजाज भाई क्या कहना चाहेंगे आपसे? बहुत लोग सीखना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, यंगस्टर को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? यही है कि एज़ अ स्पोर्ट्समैन हमें हमेशा जो है बेहतरीन स्पिरिट्स में रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। मैंने 10 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, उसके बाद मुझे पाकिस्तान से खेलने का मौका मिला है, और पाकिस्तान से खेला हूँ अल्लाह का शुक्र है, परफॉर्मेंसेस दी हैं, और एशिया कप में पाकिस्तान को 12 साल के बाद जितवाया, और जो है फिर PSL भी खेली मैंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, सेम उसी तरह लास्ट ओवर पेशावर जलमी के खिलाफ 8 रन डिफेंड करके फाइनल में पहुंचाया था। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं अपने करियर से, और अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी मैं मेहनत कर रहा हूं और सीज़न क्रिकेट का खेल रहा हूं। इस साल भी मैंने, इस वक्त टॉप पे हूं, लास्ट ईयर भी मैंने टॉप किया और PCB का बेस्ट बॉलर हुआ। सो हमेशा जो है हाई स्पिरिट्स में रहना चाहिए और बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करनी चाहिए और हार्डवर्क करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज भाई, आपने अपना सफ़र बताया, एशिया कप की यादें बताई, PSL का वो मैच भी याद है जो आपने जिक्र करा, क्वेटा लिए जो आपने जितवाया था। होप जो हम लोग जितने भी सुन रहे हैं आपकी बातों पे हम अमल करेंगे, और आपने जो हमें मैसेज दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया एजाज भाई आपका इंशाल्लाह ताला, और फिर आपसे बात करते रहेंगे। अभी लेते हैं ज़्यादा सफर नहीं आसान में, फिर एक और एपिसोड के साथ आ जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।